द सर्च ऑफ होम के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर से नोएडा एक्सटेंशन जा रहे हैं, कुछ और प्रोजेक्ट देखेंगे अपार्ट फ्रॉम गौर। और हमने रूट लिया है सेक्टर 18 से नोएडा एक्सटेंशन की तरफ के लिए। तो इससे आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि रोड इधर का कैसा है फ्रॉम सेक्टर 18 टू नोएडा एक्सटेंशन और ट्रैफिक कितना होता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड। नोएडा एक्सटेंशन का मेरा एक सजेशन है कि आप एडवर्टीजमेंट पर ना जाएं, जो ब्रोकर्स होते हैं लोगों के कहने पर ना और ले लो, आप खुद जाकर देखें। और जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो तब तक आप सोचे भी ना फ्लैट लेने के लिए। और वर्क स्पीड भी आप जाकर देखें कि कैसा काम चल रहा है वहाँ पर। अगर वहाँ काम नहीं चल रहा है तो आप इन्वेस्टिगेट करें कि क्यों नहीं काम चल रहा है। आप आजू बाजू लोगों से पूछें, आप अपने फ्रेंड से पूछें जो इधर रहता है। जो आगे हम लोग सामने गौर चौक और सामने गौर का मॉल बन रहा है, लेकिन ट्रैफिक बहुत होता है यहाँ पर। पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर अगर आप ऑफिस आवर में आप आओगे तो यहाँ बहुत ट्रैफिक होता है, तो जो कि बाद में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा। अदरवाइज लोग एक एक घंटे यहाँ पर ट्रैफिक में फंसे होते हैं। तो हम लोग अभी आ रहे हैं नोएडा से और दिस इज गौर चौक और सामने गौर का मॉल है। और सजेशंस फॉर बायर्स ये है कि जब तक आप क्वालिटी ना देखें, स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन ना देखें, तब तक आप डिसाइड ना करें फ्लैट लेने की। आप जब देखें कि कैसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्वालिटी कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करें। तो अब ये बनने के बाद पता नहीं कैसा होगा, ट्रैफिक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ऑफकोर्स, क्योंकि मॉल बन रहा है। और अब मॉल ऑफ इंडिया के सामने जो रोड है उसका हालत आपने देख रखा होगा अगर आप उधर से आते हैं कभी तो। बट ये अच्छा मॉल है और दिस इज बुलीवर्ड वॉक। There's another mall with office space. तो अभी का ये अगर मुझे ट्रैफिक की बात मैं करूँ तो यहाँ पर ये हाल है कि अभी ऑक्यूपेंसी नोएडा एक्सटेंशन में है 40% और ट्रैफिक से बहुत लोग परेशान रहते हैं इधर के लोग। सामने है अजनारा लीड गार्डन। तो गौर से सेकंड गोल चक्कर से आप लेफ्ट लोगे तो ये प्रोजेक्ट है अजनारा ली गार्डन, जो कि एक फेज उन्होंने डिलीवर कर दिया है। मुझे आइडिया नहीं है कैसा है फ्रेंकली मैं बताऊं तो इस प्रोजेक्ट के बारे में, बट थोड़ा मुझे कंजस्टेड सा लगता है ये प्रोजेक्ट। तो ये गुलशन बेलिना है, गुलशन कंपनी का, और दिस इज़ इन ऑल्सो इन नोएडा एक्सटेंशन। ये वाला जो पार्ट है ये बोल रहे हैं कि मार्च तक दे देंगे, और इधर का जो भी पार्ट है वो बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर देंगे। कंस्ट्रक्शन अभी रुकी हुई है बट कंस्ट्रक्शन इनका ऑलमोस्ट इधर साइड का कंप्लीट हो गया है। लिखा हुआ अभी पैसन इन वन ईयर स्टार्ट्स इन वन ईयर 2999 पर स्क्वायर फिट, स्टार मार्क भी लिखा हुआ है। सो आप समझ सकते हैं स्टार मार्क के मतलब क्या होता है। गुलशन का है इधर लेफ्ट और उसके राइट साइड में अजनारा का है जिन्होंने डिलीवर कर दिया है, तो आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पर। और इधर राइट साइड में है सुपर टेक का, एक बार दिखाओगे इधर, ये है सुपर टेक का, सुपर टेक इको विलेज आई थिंक। लो राइज सुपर टेक है इधर, ये लो राइज है, अच्छा है सुपर टेक का। लोराइज कभी भी अच्छा होता है, अगर आपके पास बजट है तो लोराइज में जाओ। स्कूल है, ये स्कूल खुल गया, अच्छा स्कूल दिख रहा है, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़िया है। सनातन ये भी स्कूल है, ये भी स्कूल, एक नया स्कूल इधर, स्कूल फ्लैट बना नहीं स्कूल बन गया, अच्छी बात है। अरिहंत अबोड, और आई थिंक ये 2-1.5 साल पहले लॉन्च हुआ था, पता नहीं अभी तक काम मुझे नहीं लग रहा है कुछ हुआ भी है, क्यों मुझे नहीं लग रहा है कुछ काम हुआ है। तो
सोचा था कि कुछ सैंपल फ्लैट देख लेंगे अरिहंत या बोर्ड में, बट कुछ दिख ही नहीं रहा है और लोग भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर. पता नहीं किधर से जाना है, पर देखते हैं, ट्राई करते हैं. सोचा था कि चलो लॉन्च हुआ है तो एक पूरा दिस इज अरिहंत अबोड. जब काम नहीं चल रहा है क्या इधर? काम नहीं चल रहा है क्या? मतलब प्रोजेक्ट ही बंद हो गया या क्या है? प्रोजेक्ट बंद हो गया या क्या हो गया? प्रोजेक्ट बंद है सर. तो एनजीटी की वजह से दे आर सेइंग कि प्रोजेक्ट बंद है, सेल आउट भी नहीं हो रहा है. दैट कुड बी द रीजन, हो सकता है. बट एक साल हो गया, इसमें इतना काम नहीं हुआ है जितना एक्सपेक्टेड था. कुछ भी नहीं हुआ. राफ्ट बोल रहे हैं, राफ्ट डला हुआ है अभी. तो अब आपको समझ में आ जाने. राइट साइड में गांव है, इन्हीं का सब जमीन होगा जिसमें प्रोजेक्ट्स बनते हैं. सामने ईंट का भट्टा है. तो और गुलशन बेलिना का जो हमने अभी आपको दिखाया था पहले, उसका फ्लैट सैंपल देखना होगा तो मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले कैप्चर कर रखा था वो. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं 3 BHK का सैंपल फ्लैट और 2 BHK का सैंपल फ्लैट. गोल चक्कर लेकिन सक्सेसफुल नहीं है. जहां पर ज्यादा ट्रैफिक हो जाती है वहां गोल चक्कर बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है. का हालत तो बद से बदतर हो चुका है अभी. इधर अभी ट्रैफिक नहीं है तो ठीक है, ट्रैफिक जिस दिन हो जाएगा गोल चक्कर सक्सेसफुल नहीं है. सामने का प्रोजेक्ट है सर्वोत्तम, आई थिंक सर्वोत्तम ग्रुप का है, मुझे बन चुका है ये पूरा का पूरा. सामने है गैलेक्सी वेगा जो कि टाइम पर डिलीवर किया अपने प्रोजेक्ट को और इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है. इसमें इन्वेंट्री है नहीं वैसे, और जो इन्वेंट्री एक दो है भी वो दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. दिस इज द प्रोजेक्ट. सेकेंड गोल चक्कर पर है ये, और होपफुली जो मेट्रो लाइन बनेगी इन फ्यूचर ये इस वाले गोल चक्कर पर आएगी. सो जिनका यहाँ प्रोजेक्ट हो
उसके लिए एक एडवांटेज ये भी है. एंड दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट प्रोजेक्ट. आम्रपाली आ गए. ये तो नहीं है. ये है ये जिसमें मेरा पैसा फंसा हुआ है. 80% पेमेंट देने के बाद भी वी आर स्टिल होपिंग टू गेट आवर फ्लैट. सुप्रीम कोर्ट में इसका केस जा चुका है. प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट सभी लोगों का 80% 70% पैसा तो जा चुका है. और ये हालत है. ये है रियान इंटरनेशनल स्कूल, क्योंकि चेरी काउंटी से बहुत नजदीक है. और इधर राइट साइड में एसीजेड बना हुआ है. नहीं दिखेगा, दिखेगा नहीं. यहाँ पर कंपनीज, एक दो कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी है. IBM वगैरह भी आने वाली है. प्रोजेक्ट होम्स, क्या नाम है, नाम को
नॉट रीच एट होम। और इस वाले वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको आइडिया भी मिला होगा कि क्या करना है इफ़ यू आर प्लानिंग टू